मेहनत आपकी 100% हो रही है, वर्क आप 100% कर रहे हो, अच्छे से अच्छा कर रहे हो, लेकिन बेनिफिट उसका 0% मिल रहा है। हो सकता है बेनिफिट्स आपको 20-40% मिल रहा हो, लेकिन ये बेनिफिट इतना कम क्यों मिल रहा है, इसको आपने कभी डीपली नहीं सोचा होगा। आज थोड़ा सा डीपली इसको समझते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर अपडेट रेगुलर करते हैं और वहाँ पर बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाइए और फॉलो कीजिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौज एप्लीकेशन की, और इस मौज एप्लीकेशन पर आप जितनी भी मेहनत करते हो, अगर इसका आंकड़ा 100% लगाएं तो आपको रेगुलर व्यूज़ और रेगुलर इंगेजमेंट, रेगुलर फॉलोअर्स पर आज बिल्कुल बेनिफिट 0 से लेकर 20% और 40% तक बचा है। ये मेरा भी बचा है, लेकिन मुझे जो मिल रहा है, मिले ना मिले दोनों एक बराबर है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे मैंने लास्ट वीडियो आज से 10 दिन पहले बनाई थी, और मैं 10 दिन से कोई काम नहीं कर रहा हूँ मौज पर, मतलब मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ लाइव आ रहा हूँ ताकि आप लोगों से मिल पाऊँ, आप लोगों से बात कर पाऊँ, वो भी अब लाइव आधा घंटे का मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वर्क का मतलब क्या था, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 2 से 4 महीने हो गए, और इस 2-4 महीनों के अंदर रोज़ एक टेक्निकल इशू होते थे, रोज़ एक टेक्निकल इशू आज तक चलते हुए आ रहे हैं, चाहे वो व्यूज़ को लेकर हो, चाहे वो फॉलोअर्स को लेकर हो, चाहे वो मिंट्स को लेकर हो, या फिर MFC में सिलेक्शन को लेकर हो। आपकी मेहनत 100% हुई है हर जगह पर। अगर आप MFC में जाना चाहते हो तो आप वो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो जो मौज कहता है, MFC कहता है, लेकिन उसके बाद भी MFC क्लियर नहीं है, तो मेहनत तो आपकी 100% हुई ना, रिजल्ट कहाँ मिल रहा है। ये इसी तरह से अभी मौज पर प्रॉब्लम चल रही है, और इतनी प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में मौज अभी खुद भी काम नहीं कर पा रहा है। जब से मौज और MX अकाटक एक हुए हैं, तब से मौज ने सारा काम MX पर करा है और अपना काम को पीछे छोड़ दिया। शायद आज यही वजह है कि मौज हर एक चीज़ में नए टेक्निकल इशू के साथ एक नया बहाना करता है, और फेस पर एक ही नाम आता है, टेक्निकल इशू। अब ये टेक्निकल इशू वाला पंगा कब तक चलने वाला है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो जैसा कर रहा है, अगर आपको संतुष्टि से लगता है कि मुझे जैसा कर रहा हूँ मैं रोज़, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो आप करते रहें, और अगर नुकसान है तो कम से कम एक वीडियो रेगुलर अपडेट करें ताकि आप एक्टिव रहें। मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे रहना भी नहीं है, ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं किसी को डीमोटिवेट यहाँ पर नहीं करना चाहता, बस आप लोगों की भावनाओं तो ऊपर निकाल के बताना चाहता हूँ कि शायद आप लोग भी उसी तरह से जूझ रहे होंगे जैसे मैं हूँ। आई थिंक आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा।